इंदौर में 20 साल की युवती के साथ उसका प्रेमी शादी का झांसा देकर रेप करता रहा, लेकिन जब प्रेमिका ने शादी करने की बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही पीड़िता के पूरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी सारी कहानी पुलिस के पास जाकर बताई और प्रेमी के ऊपर रेप का केस दर्ज करा दिया। प्रेमिका एक निजी कंपनी में जॉब करती है। टीआई संतोष दूधी ने बताया कि आरोपी युवक यश बैरागी श्रीराम नगर का रहने वाला है, जहां दोनों की मुलाकात 2021 में देवास नाका के बस स्टैंड पर हुई थी, जिसके बाद उनकी दोस्ती हुई और एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया, जिसके बाद आरोपी ने युवती को झांसे में लेने के लिए उससे शादी की बात कही और उसे बातों में उलझाकर उसके साथ रेप किया। वहीं पीड़िता ने बुधवार को यश को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वो शादी को लेकर और इंतजार नहीं कर सकती। इस बात पर उसे यश ने धमकी देते हुए कहा कि वो शादी नहीं करेगा, इसके साथ ही वो प्रेमिका के परिवार को भी खत्म कर देगा। पीड़िता ने मामले की जानकारी अपनी माँ को दी और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए भेजते हुए प्रेमी यश को हिरासत में ले लिया है।